Hi students, welcome back to my channel. This is Amrit here. Today we will discuss the important cue cards for July exam. So there are some important cue cards that is 100% correct prediction for these cue cards. You must have to prepare these cue cards, and before starting this video, please do subscribe my channel. Who haven't subscribed yet and who are new to my channel, please subscribe my channel and join my Telegram group for the free IELTS material, and follow me on the Instagram. The link is in description box. So let's start with the cue cards that are really very important. So our first cue card is describe an interesting old person you met. हमने किसी भी old person जिसको आप कभी मिले थे वो आपको बहुत ही interesting लगा था उसके बारे में discuss करना है. And the next one is talk about your favorite animal. यहाँ पे हमने अपना कोई भी favorite animal, cat, dog, कोई भी pet हो सकता है, कोई भी favorite animal हो सकता है हमारा, so उसके बारे में हमने discuss करना है. And the next one is describe a noisy place you have been to. आपने किसी भी आप किसी noisy place में गए थे उसको आपने describe करना है. आजकल बहुत सारे places जो noisy place होते हैं, जैसे आप market गए थे, आप किसी की wedding में गए थे, या किसी आप concert में गए थे, या फिर किसी भी चीज़ में जो आपको noisy कोई भी place लगा था उसको आप describe कर सकते हैं इसमें. And the another one is talk about a time when you received some incorrect information. यहाँ पे हमने उस time के बारे में बात करनी है जब किसी से आपको incorrect information मिली थी, किसी से आपको wrong information मिली थी. वो किसी से भी आपको मिल सकती है, कोई आपको न्यूज़ चैनल पे भी मिल सकती है, कोई किसी और पर्सन के थ्रू भी मिल सकती है, या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू मिली होगी. ठीक है, तो आप किसी भी इंफॉर्मेशन जो आपको इनकरेक्ट मिली थी उसके बारे में इसमें बात कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ पीस ऑफ क्लोदिंग यू ऑफन वियर. हमने जो आप अक्सर ही कोई पीस ऑफ क्लोथ है जो आप वियर करते हो उसके बारे में आप बता सकते हो. जैसे लाइक आपका कोई फेवरेट क्लोथ हो सकता है जो आप ज़्यादातर पहनते हो, उसके बारे में भी इसमें बात कर सकते हो. अगर आपको कोई क्यू कार्ड आया डिस्क्राइब यूर फेवरेट क्लोथ, वो भी इसके साथ ही बिल्कुल ऐसा ही वो बनेगा, दोनों ही सेम ही क्यू कार्ड होंगे. ओके, एंड इन सभी क्यू कार्ड्स के मैं आपको सैम्पल पेपर बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करूंगी. उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वोकैबुलरी और प्रॉपर इडियम्स के साथ आपको उनकी एक्सप्लेनेशन मिल सके. सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब अ स्पीच यू गेव. ओके, इसमें हमने बताना है कि कोई स्पीच आपने दी थी उसको आपने डिस्क्राइब किया करना है. ये हमारे पुराने क्यू कार्ड्स में भी था, उसमें था कि आपने फर्स्ट टाइम कोई स्पीच दी है उसको डिस्क्राइब करना है. बिल्कुल वही क्यू कार्ड है, उसको ही आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं. एंड अनदर क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ जॉब दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग. हमने किसी भी ऐसी जॉब के बारे में बताना है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है. कोई भी जॉब हो सकती है, लाइक कोई आर्ट गैलरी की जॉब कर रहे हो, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर किसी भी तरह का आप काम करते हो जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है. कोई भी जॉब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है उसके बारे में आप इसमें बता सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ मूवी यू वॉच्ड एंड वर डिसअपॉइंटेड. आपने कोई मूवी देखी थी और आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे. ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है कि रिसेंटली मैंने ये कोई भी मूवी देखी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसमें मुझे कोई ये ऐसे सीन थे या फिर जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस मूवी से, वो मूवी बिल्कुल वैसी नहीं थी, इसलिए मैं वो डिसअपॉइंटेड हो गया. ठीक है, इसमें हम उसके वाई क्यों डिसअपॉइंटेड थे और कौन सी मूवी देखी थी उसके बारे में हम बता देंगे. कोई भी रिसेंटली मूवी या आपने जो देखी है उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट स्कूल. सो इसमें हमने क्या करना है कि हमारा फर्स्ट डे कैसा था हमारे स्कूल में, उसके बारे में हमने डिस्क्राइब करना है. तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी हम अपने स्कूलिंग टाइम की बात करते हैं, बहुत ही पुराने टाइम की बात करते हैं, तो हम यूज्ड टू. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक्स करते हैं, सो इसीलिए मैं आपको थोड़ा ये बता रही हूँ, याद करवा रही हूँ. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ न्यू स्टोर और शॉप ओपन रिसेंटली इन योर सिटी. आपकी सिटी में कोई रिसेंटली अभी अभी कोई स्टोर या फिर नई शॉप जो ओपन हुई है,
उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। वो किसी भी टाइप की शॉप हो सकती है जिसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक अगर क्लोथिंग की शॉप कोई होगी, या फिर कोई ग्रॉसरी वाली, या फिर कोई रिसेंटली नया स्टोर खुला है, बहुत ही बड़ा जनरल स्टोर खुला है, किसी के बारे में भी आप बता सकते हो। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्क्राइब अ गेम यू इंजॉयड प्लेइंग इन द यंग एज। ओके, इसमें आपने आपको किसी गेम के बारे में बताना है जो आप यंग एज में खेलते थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। ठीक है, सो ये भी हमारा पास्ट का क्यू कार्ड है। ज़्यादातर क्यू कार्ड्स पास्ट में ही आते हैं, इसमें हम हमारी यंग एज में गेम को डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग यू डिड एंड सक्सीड। कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ थी जो आपने की और आप उसमें सक्सेसफुल हो गए। सो किसी भी डिफ़िकल्ट चीज़ के बारे में बता सकते हो, कोई डिफ़िकल्ट, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क के बारे में बता सकते हो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब द इंटरनेशनल म्यूज़िक और सॉन्ग यू लाइक। इसमें आप किसी इंटरनेशनल सॉन्ग के बारे में या फिर इंटरनेशनल म्यूज़िक के बारे में बताना है जिसे आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। किसी भी एक सॉन्ग के बारे में बता सकते हो, या फिर किसी बैंड के बारे में बता सकते हो जिनका म्यूज़िक आपको बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक आजकल बहुत ही ज़्यादा बच्चों में BTS आर्मी का क्रेज़ चलता है, उसके बारे में बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ डिसएग्रीमेंट यू हैड विद समवन। ओके, आपका किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में आपने बताना है। किसी भी बात में कोई भी आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी, उसमें आपने डिसएग्रीमेंट आपका हुआ था उसके साथ, आप उसके साथ सहमत नहीं थे, सो उसके बारे में आप इसमें बताएंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब योर फेवरेट फोटोग्राफ्स। ओके, हमारी बहुत सारी फेवरेट फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, उसके बारे में आपने बताना है। जो हमारे कोई बचपन की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, हमारी यंग एज की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं, या फिर बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स ऐसी होती हैं जिस जो हमारे बहुत ही हार्ट की, हमारे बहुत ही हमारे लिए बहुत ही हार्ट टचिंग होती है, या हमारे बहुत ही क्लोज होती हैं, उस कोई भी फेवरेट फ़ोटोग्राफ में के बारे में आप इसमें बता सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज़ टॉक अबाउट अ टेक्नोलॉजी यू फेल्ट डिफ़िकल्ट टू यूज़। ओके, सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जैसी जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है यूज़ करने में बहुत लोगों को। सो इसमें हमने किसी भी टेक्नोलॉजी के किसी भी पीस के बारे में बताना है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है यूज़ करने में। लाइक कोई नया फ़ोन लिया था, या फिर कोई नया माइक्रोवेव लिया था, या फिर कोई और गैजेट लिया था, कोई गेम ली थी, किसी के बारे में भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ डिफ़िकल्ट डिसीजंस यू हैव टेकन इन योर लाइफ। आपने किसी डिफ़िकल्ट डिसीजन के बारे में बताना है जो आपने अपनी लाइफ में लिया था। सो इसके बारे में आप बता सकते हो, आप 10th के बाद में कोई स्ट्रीम चूज़ करना चाह रहे थे, उसके बारे में भी आप बता सकते हो, वो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लगी थी। नेक्स्ट वन इज़ वैल्यूएबल आइटम यू लाइक टू गिव टू समवन। आपको कोई बहुत ही ज़्यादा, आपकी बहुत ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आइटम है जो आप किसी को देना चाहते हो, या फिर आप किसी को वैल्यूएबल आइटम जो आपके मन में है कि ये मैं किसी को कभी दूंगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, एंड दी नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ जॉब यू फाइंड इंटरेस्टिंग। जैसे ये मुझे लगता है हमने पीछे अभी अभी किया है कि किसी भी जॉब के बारे में हमने पीछे किया था कि डिस्क्राइब अ जॉब यू लाइक, आई थिंक यू लाइक, कि कौन सी जॉब है जो आपको आप जिसे लाइक करते हैं। इसमें है कि डिस्क्राइब अ जॉब यू फाइंड इंटरेस्टिंग, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब योर फेवरेट नंबर। इसमें आपका कोई भी जो फेवरेट नंबर होता है उसको डिस्क्राइब करना है। बहुत सारे फेवरेट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं अपने फेवरेट नंबर्स के साथ। सो आप उस फेवरेट नंबर पे बात कर सकती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन यू मेड। कोई आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेड किया है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। सैम्पल आंसर के लिए अगेन सेइंग टू यू कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग दी सैम्पल आंसर्स। ओके, सो इम्पॉर्टेंट डिसीजन के बारे में हम इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्राइब अ गुड न्यूज़ यू हर्ड फ्रॉम अदर्स। कोई भी गुड न्यूज़ जो आपने
किसी और से सुनी है, किसी भी गुड न्यूज़ के बारे में बता सकते हो, कोई आपने न्यूज़ चैनल में भी सुनी हो सकती है, आप अपने फ्रेंड्स में फ्रेंड्स से सुनी भी हो सकती है, लाइक किसी आपके फ्रेंड का वीज़ा आ गया वो आपने सुना है वो आपके लिए गुड न्यूज़ है, या फिर किसी फ्रेंड की शादी है, मैरिज है, या फिर उसका बर्थडे है, कोई भी गुड न्यूज़ के बारे में इसमें बात कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।